इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। क्रीपी सी उंगलियों की तरह दिखाई देने वाली ये चीजें असल में फंगस हैं। और क्या आपको ये पता है कि साउथ अमेरिका में ऐसे बंदर पाए जाते हैं जिनके इंसानों की तरह मूछें होती हैं। साथ ही क्या आप ये बात जानते हैं कि क्यों हर आईफोन पर हमेशा 9:41 का ही टाइम दिखाया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही शानदार फैक्ट्स के बारे में कि आपके मुँह से एक ही वर्ड निकलेगा, इट्स एस्टोनिशिंग। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 25, इस लोगों को जरा ध्यान से देखिए। इस लोगों को आप में से कई लोगों ने दिन में बहुत बार देखा होगा, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये इंटरनेट ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स का लोगो है। पर क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इस लोगो में ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये किस एनिमल की इमेज है? वैसे ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि फायरफॉक्स के नाम में फॉक्स आता है, तो इसके लोगो में भी दिखाई देने वाला एनिमल एक फॉक्स ही है। पर असल में ये कोई फॉक्स नहीं बल्कि ये एक रेड पैंडा है जो असल में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। चौंक गए ना। नंबर 24, दोस्तों रॉबर्ट वुड को आज हर बच्चा बच्चा पहचानता है। रॉबर्ट नाम सुनते ही सबके माइंड में एक ही इमेज आती है, या तो रजनीकांत की या फिर मेटल से बने एक ह्यूमनॉइड की। लेकिन दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि रॉबर्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? असल में रॉबर्ट वर्ड चेस लैंग्वेज के रोबोटा से बना है, जिसका मतलब होता है फोर्स लेबर, यानी कि कोई ऐसा जिससे फोर्सफुली काम करवाया जाए वो रॉबर्ट होता है ना शॉकिंग। नंबर 23, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये इमेज क्या है तो शायद हर कोई एक ही नज़र में बता देगा कि ये एप्पल का लोगो है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि शुरुआत में एप्पल का लोगो ऐसा नहीं हुआ करता था? अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, सामने आप इसमें एप्पल कंप्यूटर्स लिखा देख सकते हैं, है ना मज़ेदार। असल में ये लोगो 1976 में डिजाइन किया गया था, जिसमें सर आइजक न्यूटन को पेड़ के नीचे बैठा दिखाया गया है, और यही एप्पल का शुरुआती लोगो था। नंबर 22, GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो आजकल हर फोन में अवेलेबल होता है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी पोजीशन का कहीं भी एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सर्विस आपको फ्री में अवेलेबल होती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि GPS को ऑपरेट करने का डेली खर्चा $2 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ रुपये होता है, और ये पूरा का पूरा पैसा अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से आता है। नंबर 21, पेनड्राइव तो आप सभी ने यूज की होगी। आजकल डेटा ट्रांसफर करने के लिए पेनड्राइव सबसे सेफ और कन्वीनियंट मेथड है। लेकिन दोस्तों पेनड्राइव से जुड़ा सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि पेनड्राइव यूज़ करने वाले लगभग 86% लोग पेनड्राइव को अपसाइड डाउन यूज़ करते हैं, जो कि सही होता है, लेकिन वो उसे पोर्ट में ठीक से नहीं लगा पाते हैं, जिस वजह से वो उसे पहले उल्टा करते हैं और फिर से उसे सीधा करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। अगर आपके साथ भी ये हुआ है और आप भी उन 86% लोगों में हैं तो इस वीडियो को इस बात पर एक लाइक ज़रूर दें। नंबर 20, आज के टाइम में गूगल नॉलेज का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि गूगल यूज़ करने वाले 97% लोग कभी ना कभी गूगल को सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ कर चुके हैं? मतलब कि जब सही स्पेलिंग नहीं आती हो तो बस गूगल पर टाइप कर दो और गूगल बता देगा कि वो ठीक है या नहीं। अगर आप भी 97% लोगों में हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 19, क्या आपने कभी फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये सिंड्रोम उन लोगों को होता है जिन लोगों को अपने फ़ोन से गहरा लगाव होता है, और इस सिंड्रोम में बार बार ऐसा लगता है कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस फ़ोन को यूज़ करने की चाहत फ़ोन के वाइब्रेशंस का एहसास करवाती है। नंबर 18, दोस्तों जरा इस नंबर को देखिए, क्या लगता है ये क्या हो सकता है? 0 और 1 के फॉर्म में कोई रैंडम नंबर या फिर कोई सीक्रेट मैसेज? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये नंबर गूगल के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया पहला ट्वीट था, और ये बाइनरी डिजिट में लिखा गया मैसेज है जिसे डिकोड करने पर मैसेज मिलता है आई एम फीलिंग लकी। नंबर 17, क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर बनाया गया पहला वेब पेज कौन सा था? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि 1991 में टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करने का काम कर रहे थे, और उनका बनाया गया पेज यानी कि इंटरनेट का पहला वेब पेज आज भी वर्किंग है,
और आप इसे info.cern.ch पर देख सकते हैं। इस पेज पर कोई भी ग्राफिक्स या बैकग्राउंड नहीं है, बस सिंपल टेक्स्ट है जो कि आज के इंटरनेट की दुनिया का जन्मदाता है। नंबर 16। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2010 तक पिजन्स यानी कि कबूतर इंटरनेट से तेज स्पीड से मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते थे तो आप क्या कहेंगे? वैसे शॉकिंग बात यह है कि ये सच है। असल में 2010 तक इंटरनेट पर अपलोड करने की स्पीड इतनी स्लो थी कि जब एक यूएसबी स्टिक को कबूतर के पैर में बांधकर 50 मील तक संदेश भेजा गया तो उसने एक घंटे का टाइम लिया, जबकि उतने ही डेटा ने इंटरनेट से अपलोड होने में 2 घंटे का टाइम ले लिया और इस तरह से उस कबूतर ने इंटरनेट को हरा दिया। नंबर 15। हर साल आईफोन अपने नए नए शानदार हैंडसेट्स लॉन्च करता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई आईफोन लॉन्च किया जाता है तो उस फ़ोन में टाइम हमेशा 9:41 ही रहता है ना कमाल? और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन इसी टाइम लॉन्च किया था, और तो और आईफोन की पहली फ़ोटो भी एग्जैक्ट 9:41 पर ही लॉन्च की गई थी। नंबर 14। ह्यूमन बॉडी अमेजिंग फैक्ट से भरी है, ये तो आप मानते ही होंगे, और इन्हीं फैक्ट्स में से एक अमेजिंग बात ये है कि ह्यूमंस के कान और नाक की ग्रोथ पूरी लाइफ में कभी भी नहीं रुकती है, यानी कि आपके कान और आपकी नाक कभी भी बढ़ना नहीं रुकेंगे, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में बढ़ते ही रहते हैं। नंबर 13। पिजन पूप यानी कि कबूतर की बीट को हमारे यहाँ अच्छे टाइम का सूचक माना जाता है। जब भी किसी पर कोई कबूतर बीट कर दे मतलब कि उसका अच्छा टाइम आने वाला है। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इंग्लैंड में कबूतर की बीट को क्राउन यानी कि क्वीन की प्रॉपर्टी माना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कबूतर की बीट से गन पाउडर भी बनाया जा सकता है, और किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इसी से बचने के लिए 18 सेंचुरी में पिजन पूप को क्राउन की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। नंबर 12। दोस्तों आंट यानी कि चींटियां दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, और इन चींटियों से जुड़ी सबसे अमेजिंग बात यह है कि चींटियां ऊंचाई से गिरने पर मरती नहीं हैं, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई से गिरे, है ना कमाल की बात? और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटियों का वेट बहुत ही कम होता है, और गिरने पर उनकी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी नहीं हो पाती है कि उनकी बॉडी को कोई नुकसान हो। मतलब कि चींटी चाहे आपकी छत से नीचे गिरे या फिर कुतुब मीनार से, उसे कुछ नहीं होगा। नंबर 11। दोस्तों कैप्चा तो आप सभी ने कई वेबसाइट्स पर देखा होगा, ये अक्सर बोट्स यानी कि आर्टिफिशियल कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इन्फॉर्मेशन के एक्सेस करने से रोकता है। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि ये कैप्चा एक एक्रोनिम है और इसका पूरा नाम है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, काफ़ी लंबा है। नंबर 10। फंगस यानी कि फफूंद तो आप सभी ने कभी ना कभी देखी होगी, लेकिन क्या आप जाइलेर या पॉलीमोफा नाम की फंगस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस फोटो को ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो क्रीपी सी उंगलियां दिखाई दे रही हैं ये असल में जाइलेर या पॉलीमोफा नाम की फंगस है, जो कि डेडमैन्स फिंगर के नाम से भी जानी जाती हैं, और इनकी शेप इंसानी पैर की उंगलियों की तरह होती है जो कि इन्हें बहुत ही डरावना बना देती है। नंबर 9। नोकिया का नाम तो आज हर कोई जानता है, 90s में नोकिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि नोकिया कंपनी को शुरुआत में मोबाइल नहीं बल्कि पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया था? शौक लगाना सुन के, पर यह सच है। 1865 में जब नोकिया कंपनी बनाई गई थी तब इसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 8। डाई यानी कि पासा आप सब लोगों ने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा, बहुत से गेम्स में डाइस का यूज़ किया जाता है, और हम में से कई लोगों की बचपन की कई यादें इस छोटे से डाइस से जुड़ी हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि सबसे पुराना 20-sided डाई यानी कि ऐसा डाइस जिस पर 6 नहीं बल्कि 20 साइड्स हैं वो इजिप्ट से मिला है, और ये लगभग 30 ईसा पूर्व का है ना कमाल? नंबर 7। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि बिच्छू 6 दिन तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं, और इतना ही नहीं ये 1 साल तक बिना खाना खाए भी रह सकते हैं, साथ ही बिच्छू अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स में ग्लो भी करते हैं।
सच है हमारी प्रकृति वाकई में कमाल की है। नंबर 6, दोस्तों आज के टाइम में अनियंस यानी के प्याज लगभग हर तरह के खाने का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में माना जाता था कि अनियंस इटर्नल लाइफ यानी कि मौत के बाद की जिंदगी को शो करते हैं, और इसीलिए कई ममीज जैसे कि रामसेस 4 में आंखों के पास अनियंस के टुकड़े भी मिले हैं। नंबर 5, दोस्तों जरा इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, यह असल में एक बीमारी का नाम है, और सच मानिए ये बीमारी उन लोगों को होती है जो कि फ्राइडे द 13 से डरते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इस दिन ये लोग अनलकी हो जाएंगे और इनका बनाया हर काम बिगड़ जाएगा। कमाल है ना लोगों को कैसी कैसी बीमारी हो जाती है। नंबर 4, दोस्तों हमारे संसार में हजारों अमेजिंग एनिमल भरे पड़े हैं और उन सब में अपनी अलग अलग खासियत भी होती है, और ऐसा ही एक अमेजिंग एनिमल है ऑक्टोपस। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमेजिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल और 8 दिमाग होते हैं। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा ऑक्टोपस का ब्लड भी ब्लू कलर का होता है ना शॉकिंग। नंबर 3, दोस्तों हमारी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की अगर बात की जाए तो सब जानते हैं कि जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि हिस्ट्री में सबसे अमीर आदमी कौन था, तो क्या आप ये बात बता सकते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास के सबसे अमीर आदमी का नाम है ऑगस्टस सीजर, जो कि रोमन राजा था, और इनकी कुल संपत्ति लगभग 4.7 ट्रिलियन डॉलर थी। नंबर 2, दोस्तों फ्लावर्स तो आप सभी को पसंद होंगे, कलरफुल और खुशबू वाले शानदार फूल किसे पसंद नहीं आएंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि श्रीलंका में एक ऐसा फूल खिलता है जो कि तोड़ते ही मुरझा जाता है। वैसे ही सुनने में थोड़ा असंभव सा लगता है, पर ये सच है। श्रीलंका में पाए जाने वाले इस फूल का नाम कडापुल है, और ये सिर्फ रात में ही खिलते हैं, और इसके अलावा इन्हें तोड़ते ही ये फूल मुरझा जाते हैं। नंबर 1, दोस्तों साउथ अमेरिकी महाद्वीप में बंदरों की एक ऐसी प्रजाति भी है जिसे एम्परर टैमरिन कहकर बुलाया जाता है। इनका ये नाम इन्हें एक जर्मन राजा के नाम पे मिला है, क्योंकि इन बंदरों की मूंछें बिल्कुल उस राजा की मूंछों की तरह होती है। भूरे रंग के इन बंदरों की मनुष्यों की तरह बड़ी बड़ी मूंछें और थोड़ी सी दाढ़ी भी होती है। इसके अलावा इनकी पूंछ इनके शरीर की लंबाई से 1.5 गुना ज़्यादा होती है, और इनका वजन मात्र 500 ग्राम का होता है।